आप सब लोग को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं आपसे माय डेली बिजनेस वीडियो व्लॉग्स में बात करने वाला हूँ सिस्टम्स की। कई सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप सिस्टम्स की बात करते हो लेकिन बताइए तो सिस्टम होता क्या है। तो आज मैं आपको सिस्टम्स के बारे में बताने वाला हूँ, नंबर एक। दूसरी चीज, मैं आप लोगों को एक सिस्टम्स की चेकलिस्ट देने वाला हूँ। इस चेकलिस्ट को इस्तेमाल करके आप लोग अपने सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं थर्ड लेवल पे। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी भर के दिखाऊंगा इस वाली चेकलिस्ट में कि आपको इसे कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं सिस्टम्स की ओर। सो यह है सिस्टम्स की चेकलिस्ट। आपको सबसे पहले बताता हूँ सिस्टम्स क्या नहीं है। मेरी कई बार बिजनेस ओनर से बात होती है, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई इनके सिस्टम्स क्या है, वो कोई सॉफ्टवेयर की बात कर देते हैं। सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम में एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है और वो पार्ट होता है इस टूल वाला पार्ट होता है। वो एक टूल होता है जो आपकी मदद करता है पूरे सिस्टम को रन करने में, लेकिन वो अपने आप में सिस्टम नहीं होता है। इसीलिए सिस्टम एक चीज होती है जो आपको कंसिस्टेंट रिपीटेबल रिजल्ट्स देती है। तो यहां पे जो कीवर्ड है जो आपको समझना है वो क्या है, रिपीटेबल। ये है कीवर्ड, जिस कीवर्ड को आपको समझना है, रिपीटेबल, ताकि आपके बार 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 कंसिस्टेंट रिजल्ट आए। तो एक सिस्टम के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं मैं आपको क्विकली बता देता हूं। जो सिस्टम का सबसे पहला एलिमेंट होता है वो होता है गोल। गोल का मतलब कि भाई किसी भी सिस्टम का मकसद क्या है, क्योंकि कोई भी चीज बिना मकसद के नहीं बनती है। मैं आपको ऑपरेशंस का, मैनेजमेंट सिस्टम्स के, एक सिस्टम्स के एक बहुत बेसिक तरीके से करके आपको इस वाली चीज में एग्जांपल दिखाऊंगा। अभी ये समझ लीजिए, हर सिस्टम का एक गोल होता है। अगर आपने वो गोल सही से डिफाइन नहीं करा है तो शायद आपका पूरा पूरा जो सिस्टम है वो क्या है, फेल हो जाएगा। तो इसमें जो दूसरी चीज होती है वो चीज होती है आपकी वर्क फ्लो। इसका मतलब सिस्टम के गोल को अचीव करने के लिए, सिस्टम के गोल को अचीव करने के लिए आपको एक वर्क फ्लो की जरूरत होती है। वर्क फ्लो मतलब काम कैसे बहता है, वर्क फ्लो काम कैसे बहता है, आता कैसे और बाहर कैसे निकलता है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इस वर्क फ्लो को मैनेज करने के लिए टूल चाहिए होता है। टूल क्या होता है आपका, टूल होता है सॉफ्टवेयर, चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट, कुछ भी हो सकता है। और एक होता है प्रोसेस, मतलब ये पूरी चीज फ्लो कैसे करती है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तीसरी चीज, जब आपका गोल बन जाता है, वर्क फ्लो बन जाता है, उसके बाद आपको खिलाड़ी चाहिए। खिलाड़ी मतलब टीम। सो इस वाली चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपके पास दो लेवल के खिलाड़ी होने चाहिए, एक मैनेजर लेवल का खिलाड़ी और एक डूअर लेवल का खिलाड़ी। मैनेजर लेवल का खिलाड़ी वो खिलाड़ी होता है जो क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि आपके यहां जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वाले गोल को अचीव करने की वो मैनेजर की होती है। जो डूअर होता है उसका काम होता है काम, एक्चुअल काम करना। तो मैनेजर जो होता है वो एक्चुअल काम में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका ये काम होता है कि जितने भी डूअर्स हैं वो सब लोग अपने कायदे से काम कर रहे हैं ताकि आपका जो मेन गोल है वो अचीव हो रहा है। तो ये वाला जो काम होता है ये मैनेजर लेवल का काम होता है। डूअर लेवल का जो काम होता है वो टास्क। अब इस इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट में आप लोग ये वाली चीज जरूर देखिए, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा फेलियर होता है। ये है स्किल्स। अगर आपके मैनेजर के पास या डूअर के पास राइट स्किल्स नहीं होगी तो यहां पे आपके सिस्टम में फेलियर आ जाएगा। कई बार लोग कहते हैं कि सर हमारे पास तो ज्यादा लोग नहीं है, तो मैनेजर डूअर कैसे रखें, लोग से फर्क नहीं पड़ता। हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। एक आदमी मैनेजर भी हो सकता है और डूअर भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर पूरी करेगा। तो आपके जो खिलाड़ी होते हैं इनका रोल्स डिफाइन होने चाहिए पूरी तरीके से। भाई जो मैनेजर आएगा डेली वो क्या करेगा, मॉनिटर करेगा आपके टूल को, उसके बाद स्टेटस का अपडेट देगा, अगर किसी जगह पर दिक्कत है तो उसे एस्केलेट करेगा। और जो आपका डूअर है उसके पास पूरी एक टास्क लिस्ट बनी हुई, वो डेली क्या क्या करेगा और स्किल्स उनके पास होने चाहिए। उसके बाद जब आप ये वाली चीज कर लेते हैं तो आपके चौथी चीज जो आपके इसमें होती है वो होती है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग किस चीज की, मॉनिटरिंग आपके गोल की, कि वो जो आपने गोल रखा है
उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी। तो उसमें जो अलग अलग लेवल होते हैं, एक ओनर जो है वो क्या मॉनिटर करेगा, मैनेजर है वो क्या मॉनिटर करेगा, एक डूअर है वो क्या मॉनिटर करेगा, ताकि किसी भी जगह पे हम लोग गोल से दूर नहीं हट रहे हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, ये वाली चेकलिस्ट आपके डॉक्यूमेंट मैनेज में बना रखा है, आप लोग इस वाले डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अंदर आपको ये वाली चेकलिस्ट मिल जाएगी। उस डॉक्यूमेंट में आपको एक वेल डिफाइंड एग्जाम्पल भी मिल जाएगा जो मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है। तो चलिए इस वाली सिस्टम्स की चेकलिस्ट को अप्लाई करते हैं और बेसिक तरीके से देखते हैं कि सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो जो सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूं वो है OMS। OMS का मतलब ऑपरेशंस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑपरेशन का मतलब आपकी कंपनी में वो जो डिलीवरी के लिए तैयारी होती है, जो आपने कस्टमर को प्रॉमिस किया होता है, उस प्रॉमिस को फुलफिल करने का सिस्टम होता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सिस्टम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि लगभग हर बिजनेस को इस सिस्टम की जरूरत होती है। तो देखते हैं कि जब आपका जो डिलीवरी का जो सिस्टम है, ऑपरेशंस का जो पूरा सिस्टम है, वो कैसे तैयार होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इस वाली चीज में क्या होती है, गोल होती है। सो गोल का मतलब ऑपरेशंस का क्या गोल है या सर्विस का क्या गोल है। ऑपरेशन सर्विस का गोल होता है राइट क्वांटिटी में राइट क्वालिटी का आइटम और राइट टाइम पे कस्टमर को पहुंचे। क्योंकि जब ये वाली चीज कस्टमर के पास पहुंचती है तो एक चीज क्रिएट होती है, उस चीज का नाम होता है कस्टमर डिलाइट। जब आप कस्टमर को बढ़िया सर्विस देते हैं तो क्या होती है, कस्टमर डिलाइट पैदा होता है और इससे आपके बिजनेस में दो जगह पे फर्क पड़ता है। आपके बिजनेस के में रिपीट बढ़ता है, रिपीट बिजनेस बढ़ता है और रेफरल का बिजनेस बढ़ता है। सो जब आप ये वाला काम करते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में, आपकी कंपनी में इस तरीके से इस चीज पे फर्क पड़ता है। सो हमारा जो गोल हो गया वो ये हो गया, अपने कस्टमर को राइट क्वांटिटी को राइट क्वालिटी और राइट टाइम पे चीजों को पहुंचाना, ये गोल है, ये पूरे सिस्टम का गोल है कि ये वाला काम अचीव किया जा सके। सेकंड, जो इस चीज में टूल लगता है उसे मान लेते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ये टूल है जिसके अंदर क्या होगा, जितने भी ऑर्डर आएंगे सारे के सारे ऑर्डर इसके अंदर जाएंगे और इस टूल को इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को मैनेज किया जाएगा। ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, एक्सेल शीट भी हो सकती है, गूगल स्प्रेडशीट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस चीज को अचीव करने के लिए आपका वर्क फ्लो होता है। वर्क फ्लो में बहुत छोटे से प्रोसेस लिख देता हूं, जैसे एक छोटा सा प्रोसेस होगा एंटर ऑर्डर इन द सिस्टम, यानी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके अंदर चीज कैसे जाएगी। तो इस वाली चीज को आप ऐसे मान लीजिए, जैसे हम लोगों ने ये सिस्टम, ये आपका सिस्टम है, ये आपका सिस्टम OMS है, ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। सो इसके अंदर जो पहला प्रोसेस होगा वो प्रोसेस क्या होगा कि भाई इसके अंदर एंट्री कैसे होगी, इस प्रोसेस के अंदर रूल होगा, क्या रूल होगा, रूल ये होगा कि एवरीथिंग गेट्स एंटर्ड इनटू द सिस्टम, हर चीज सिस्टम में एंटर होगी, ये रूल है। ये कौन सा रूल है, तो ये हमारा जो प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, एंटर ऑर्डर इन द सिस्टम। दूसरा प्रोसेस क्या है, डेली ऑर्डर मीटिंग प्रोसेस, यानी कि डेली लेवल पे जो ऑर्डर्स को देखा जाएगा और इस पे जो मीटिंग होगी वो कैसे होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा। थर्ड, अपडेट ऑर्डर इन सिस्टम, जब हमारी मीटिंग हो गई तो कुछ ऑर्डर्स हो सकता है डिलेड हो, कुछ हो सकता है टाइम पे चल रहे हो, किसी में कोई दिक्कत हो, उस चीज को अपडेट कैसे किया जाएगा। इससे रिलेटेड और भी प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक बहुत बेसिक लेवल पे आपको बताया है आइडिया देने के लिए। तो आपको सोचना पड़ेगा कि पूरे सिस्टम में कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो होती हैं। जो थर्ड लेवल पे आपको चीज चाहिए होगी वो चाहिए होंगे खिलाड़ी, मतलब एक मैनेजर लेवल का, एक डूअर लेवल का। मैनेजर मतलब जिसका ये गोल होगा कि यार ये जो जितने भी ऑर्डर हैं वो टाइम पे जा रहे हैं, राइट क्वालिटी के जा रहे हैं, राइट क्वांटिटी के जा रहे हैं, जवाबदेही इसकी हो, इससे पूछा जाएगा हाँ भाई इस ऑर्डर में गड़बड़ क्यों हुई या ये बहुत बढ़िया चल रहा है। तो सब चीजों का श्रेय इस आदमी को जाएगा क्योंकि ये आदमी एंश्योर करता है कि ये वाला गोल मीट हो रहा है। तो इसका रोल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी चीज, इस आदमी के पास राइट स्किल होनी चाहिए। सो इसके रोल डिफाइंड ऐसे होगा कि भाई आप क्या करोगे, डेली लेवल पे मीटिंग करोगे,
कोई भी वर्कर्स को स्टाफ को प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिजॉल्व करोगे। अगर आपको दिखता है कोई चीज़ आपसे मैनेज नहीं हो पा रही तो उसको एस्केलेट कैसे करोगे, उसे हम तक कैसे पहुंचाओगे, ये वाली चीज़ आपकी जो है इसके लिए रोल डिफाइंड हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड रोल होना चाहिए कि वो क्या करने वाला। उसके बाद डूअर है, उसके भी टास्क डिफाइन होने चाहिए, भाई आएगा ये करेगा ये करेगा ये करेगा ये करेगा, तो उसे पता होना चाहिए वो क्या करने वाला है। और इस वाली चीज में सिस्टम में आपको इंश्योर करना होगा कि आपका जो मैनेजर है और जो आपका डूअर है उन लोगों के पास राइट स्किल्स हैं ये वाला काम कर लेने, क्योंकि अगर उनके पास ये वाली स्किल्स नहीं होगी तो शायद वो लोग ये वाला काम नहीं कर पाएंगे और आपके सिस्टम में फेलियर आ जाए। सो जब आपने ये प्लेयर्स वाली चीज इंश्योर कर ली, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज इंश्योर करनी है वो है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग किस चीज की, गोल की, कि भाई ओनर क्या मॉनिटर करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो गोल था वो क्या था, राइट टाइम पे चीजें पहुंच जाए, राइट क्वालिटी की पहुंच जाए। तो यहाँ पे जो ऑनर मॉनिटर करेगा कि यार कितने ऑर्डर हमारे कस्टमर डिलीवर हुए टाइम पे। दूसरी बात, हमारे इस पूरी चीज का ऑब्जेक्टिव है कि हमारे कस्टमर डिलाइटेड हो, तो मुझे यार कस्टमर की क्वालिटी रेटिंग दे दो कि कितने कस्टमर हैं जो हमारे डिलाइटेड है। भाई अगर 100 में से 40 कस्टमर ही डिलाइटेड है इसका मतलब दिक्कत है, 100 में से अगर 60 डिलाइटेड तो भी दिक्कत है, 100 में से 90 डिलाइटेड है तो ठीक है, 10% का मार्जिन है इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओनर को ये वाली चीज पता होनी चाहिए ये सिस्टम का जो गोल है वो आ रहा है। जो मैनेजर लेवल की मॉनिटरिंग है वो ये होगी, वो डेली ऑर्डर को मॉनिटर कर रहा है यार किस ऑर्डर में गड़बड़ होने वाली है, ताकि आपका जो सिस्टम है वो रिएक्टिव ना होकर प्रोएक्टिव सिस्टम बने, ताकि आप उस सिस्टम को कायदे से चला सकें। और जो मैनेजर है वो डिलेड ऑर्डर की मॉनिटरिंग कर सकता है। डूअर मॉनिटरिंग क्या होगी कि भाई मेरे पास ये काम डले हुए हैं, तो कौन से काम में क्या क्या मुझे काम करना और कैसे चीजें करनी है। सो ये बेसिक मॉनिटरिंग की चीज है। जैसे मैंने आपको बताया ये वाली चीज मैंने आपके डॉक्यूमेंट में डाल दी, आप लोग इस चेकलिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सा भी सिस्टम बनाना हो इस चेकलिस्ट को लेकर जाइए, सबसे पहले उसके गोल डिफाइन करें, उसके बाद देखिए उस सिस्टम को चलाने के लिए टूल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं चाहिए तो वो टूल होना चाहिए, और उस सिस्टम का वर्क फ्लो कैसे होगा, उसके अंदर प्रोसेस क्या क्या होंगे, छोटे 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 प्रोसेस लिखना है। उसके बाद इस गेम को खेलने के लिए खिलाड़ी कौन चाहिए होंगे, मैनेजर कौन होगा, डूअर कौन होगा। फिर से आपसे बोल रहा हूँ, मैनेजर और डूअर एक आदमी भी हो सकता है अगर आपके पास रिसोर्स की कंस्ट्रेंट है, लेकिन वो रोल्स तो होंगे, डेली का अपडेट और उस वाले काम को करने के उनके अलग अलग रोल्स, और ये वाली चीज भी इंश्योर करिए कि स्किल्स हो उनके पास, और उसके बाद मॉनिटरिंग का सिस्टम, ताकि आपके गोल अचीव कर रहे हैं। आशा करता हूं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज कमेंट जरूर छोड़िए, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो अगले वीडियो तक के लिए आपसे मेरा बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पर जाकर माय डेली बिजनेस व्लॉग्स की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसमें आपको ये इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप डोमेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो डोमेन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, सर्विस ओनर रिलेटेड, तो आपको डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेंगी हमारे चैनल पे। और अगर आप फंक्शन रिलेटेड नॉलेज चाहते हैं, फंक्शन रिलेटेड मतलब भाई मार्केटिंग की, सेल्स की, ऑटो पायलट की, तो आपको इसके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेंगी हमारे चैनल पे, आप लोग वहां पे जाके ये वाली चीज देख सकते हैं। अगली बार तक के लिए मेरा आपको बहुत बहुत नमस्कार, मेरी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।